हेलो एवरीवन दिस इज श्रीना बिश्नोई एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग थ्रू आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल इज अ वेरी हेल्पफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इट इज़ आल्सो अ टॉपिक ऑफ क्लास नाइन्थ साइंस चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज क्लियर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नाइट्रोजन साइकिल तो देखिए नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है क्या मतलब है तो देखिए साइकिल वर्ड का मतलब होता है क्या रिपीट होना अगेन एंड अगेन तो नाइट्रोजन साइकिल आपके पास क्या होता है ध्यान से देखिएगा नाइट्रोजन साइकिल का मीन्स होता है सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सर्कुलेट होना इन एबायोटिक एंड बैक बायोटिक कंपोनेंट ऑफ नेचर नेचर का जो एबयोटिक कम्पोनेंट है एंड बायोटिक कंपोनेंट्स है उसके बीच में कंटिन्यूसली नाइट्रोजन का सर्कुलेशन होना ही क्या कहलाता है नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है ए बायोटिक कम्पोनेंट बोलें तो क्या नॉन लिविंग थिंग्स एंड बायोटिक कंपोनेंट बोलें तो क्या लिविंग थिंग्स क्लियर तो नाइट्रोजन साइकिल की क्या डेफिनेशन हुई द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ नेचर क्लियर अब देखिए नाइट्रोजन हमारे पास किस किस फॉर्म में पाया जाता है जो नाइट्रोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अमीनो एसिड की फॉर्म में पाया जाता है प्रोटीन्स की फॉर्म में पाया जाता है एंड जो मैंने ये राइट किया हुआ एंड डोट ए इसका मतलब है बच्चे न्यूक्लिक एसिड किस फॉर्म में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में भी एंड एंजाइम्स की फॉर्म में भी पाया जाता है ठीक है तो क्या कहा मैंने नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में पाया जाता है तो नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अमीनो एसिड्स के रूप में प्रोटीन्स के रूप में न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्म में एंजाइम्स की फॉर्म में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड्स इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप वन इज द डी एन ए न्यूक्लिक एसिड के टू टाइप हैं वन है डी एन ए एंड अनदर इज द आर एन ए क्लियर न्यूक्लिक एसिड के टू टाइप हैं वन इज़ द डी एन एंड अनदर इज द आर एन ए क्लियर तो डी एन ए की फुल फॉर्म क्या होती है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होती है डीएनए की फुल फॉर्म डी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आर की फुल फॉर्म अगर कोई आपको कहे तो आर की फुल फॉर्म क्या होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड क्लियर तो देखिए हमने क्या बात की कि जो नाइट्रोजन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस फॉर्म में पाया जाता है अमीनो एसिड प्रोटीन

प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की फॉर्म में एंड कुछ इसके ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है एटमॉस्फेयर में कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है तो कितनी प्रेजेंट होती है 78% एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस का कंपोनेंट सबसे ज्यादा होता है तो नाइट्रोजन का ही होता है कितना जी 78% क्लियर तो हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने ये पढ़ा कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है तो हमने बोला सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ नेचर जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स हैं नेचर के उसके बीच में नाइट्रोजन का सर्कुलेट होना ही नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में पाई जाती है तो नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अमीनो एसिड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स की फॉर्म में पाई जाती है न्यूक्लिक एसिड के टू टाइप होते हैं वन इज डी अनदर इज आर हमने बोला नाइट्रोजन ए की फॉर्म में भी पाई जाती है ए बोले तो क्या एडिनोसाइन

ठीक है तो हमारे पास क्या पॉइंट आया कि जो नाइट्रोजन है मोलिकुलर नाइट्रोजन एटमोस्फियर में उसे जो ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते फर्स्ट इट कन्वर्टेड इंटू नाइट्रेट्स पहले इसको किस में कन्वर्ट करना होगा नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना होगा किसकी हेल्प से देखिए नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाएं हम वेरियस माइक्रोब्स बहुत सारे माइक्रोब्स की हेल्प से क्लियर तो आपको ध्यान रखना है कि जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है ना उसे डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता फर्स्ट इसको किस में कन्वर्ट करना होता है नाइट्रेट में कन्वर्ट करना होता है कि किसकी हेल्प से वेरियस माइक्रोब्स की हेल्प से क्लियर तो ये थी आपके बात पास बात अब हम स्टार्ट करते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होती है तो ध्यान से सुनना जो हमारा नाइट्रोजन साइकिल होता है ना प्रोसेस इन नाइट्रोजन साइकिल में बार बार के हरियो बच्चों एन का मतलब है नाइट्रोजन प्रोसेस इन नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन साइकिल में कितनी प्रोसेस होती है तो देखिए जो नाइट्रोजन साइकिल है बच्चों इसमें टोटल फाइव प्रोसेस होती है कितनी प्रोसेस होती है फाइव प्रोसेस होती है चलो बात कर लेते हैं कौन कौन सी प्रोसेस होती है तो देखिए नाइट्रोजन साइकिल में जो आपकी फाइव प्रोसेस हैं वो कौन कौन सी है ध्यान से देखिए फर्स्ट प्रोसेस आती है नंबर हैं देखना one, one, two, three, four, five, total five process है फर्स्ट प्रोसेस आती है बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के टू पार्ट होते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्लियर क्या कहा मैंने फर्स्ट हमारे पास क्या आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के टू पार्ट होते हैं वन इज द बायोलॉजिकल एंड अनदर इज द एटमोस्फेरिक अब देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट कौन सा आता है सेकंड पार्ट हमारे पास होता है नाइट्रीफिकेशन क्या होता है नाइट्रीफिकेशन कलियर थर्ड स्टेप क्या होता है नाइट्रोजन एसिम्युलेशन क्या होता है नाइट्रोजन एसिम्युलेशन एंड फोर्थ प्रोसेस होता है अमोनिफिकेशन एंड फिफ्थ होता है डी नाइट्रीफिकेशन ये होते क्या हैं हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आप इसे एक निमोनिक्स बना सकते हो उससे याद कर सकते हो देखिए तो आप कैसे याद करेंगे फिक्सेशन था स्टार्टिंग में फिर नाइट्रेशन था आपके पास ठीक है नाइट्रेशन के बाद आपके पास क्या था बताइए नाइट्रेशन के बाद आपके पास एसिमिलेशन था फिर आपके पास अमोनिफिकेशन था फिर आपके पास डी था तो ये बन गया फनाद फनाद करके आप एक निमोनिक्स याद कर सकते हैं ठीक है या फिर से नहीं याद कुछ भी कह सकते हैं आप तो ऐसे आपको याद हो जाएगा यहाँ पर एफ का मतलब क्या है बच्चे फिक्सेशन एन का मतलब है नाइट्रिफिकेशन एसिमिलेशन अमोनिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन तो नाइट्रोजन साइकिल में कितनी प्रोसेस होती है टोटल फाइव प्रोसेस होती है क्लियर अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये क्या हैं ठीक है तो हम सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रोसेस लेते हैं दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सी प्रोसेस लेते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन तो देखिए ध्यान से नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के भी हमने बोला टू टाइप्स होते हैं वन इज द बायोलॉजिकल एंड अनदर इज द एटमोस्फेरिक तो देखिए बायोलॉजिकल में क्या होता है बायोलॉजिकल मीन्स हम बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन को क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं ठीक है तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है क्या मैं बहुत सिंपल वे से बता रही हूँ आपको जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ना उसको कन्वर्ट करते हैं हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है जो अटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसे कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में किस में कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंदर दैट मे बी नाइट्रेट ओ थ्री नेगेटिव क्या होता है नाइट्रेट एंड एन एच फोर पॉजिटिव क्या होता है अमोनियम आयन क्या होता है अमोनियम आयन तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको हम क्या करते हैं बच्चों इस प्रोसेस में क्या होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन nitrogen से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बनते हैं वो कंपाउंड आपके पास नाइट्रेट भी हो सकता है अमोनियम भी हो सकता है देखिए अब आपने कहा कि मैम आपने कहा है कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रोजनिस कंपाउंड बनते हैं तो किसकी हेल्प से बनते हैं तो चलो देखिए बात करते हैं देखिए ये जो नाइट्रोजन है इससे सबसे पहले बना अमोनिया नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का जो वर्क करता है बच्चों वो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया कौन सा राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और ये राइजोबियम बैक्टीरिया कहां प्रेजेंट होता है ये जो लिंगस प्लांट होते हैं उनके रूट में प्रेजेंट होता है

गी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी जिससे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है और फिर ये रेन के थ्रू किस पे आ जाएगी सोयल में ठीक है फिर ये हमारे नाइट्रोजीनियस जो कंपाउंड है किसमें आ जाएंगे रेन के थ्रू सोयल में आ जाएंगे और फिर ये सोयल कौन यूज कर लेगा प्लांट यूज कर लेगा कौन यूज कर लेगा प्लांट समझ में आई बात ठीक है तो देखिए क्या कहा मैंने फिर से सुनिए एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन में भी क्या होता है नाइट्रोजन nitrogen से नाइट्रोजीनियस कंपाउंड ही बनते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही बनते हैं किसकी हेल्प से बच्चों लाइटनिंग के हेल्प से जब बिजली चमकती है उससे जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है वो एक्टिवेट हो जाती है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेती है ठीक है उससे एनर्जी मिल जाती है और ये बारिश होती है तब होता

और सेकेंड प्रोसेस देखिए फिर अपनी क्या थी हमारी सेकेंड प्रोसेस थी दैट इज द नाइट्रिफिकेशन कौन सी प्रोसेस थी नाइट्रिफिकेशन तो ध्यान से सुनिए अटमोस आपने कहा नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो क्या था कि जो नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो रही है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में मोलिकुलर नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है बच्चों जो आपका नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है ना जो आपने बोला अमोनिया नाइट्रोजन से क्या बन रहा था ऊपर अमोनिया बन रहा था तो नाइट्रिफिकेशन में ये जो अमोनिया है ये कन्वर्ट हो जाता है एनओ नेगेटिव में जिसे हम नाइट्राइट कहते हैं क्या कहते हैं नाइट्राइट कहते हैं आपको ध्यान रखना है एनओ नेगेटिव को क्या कहा जाता है नाइट्राइट तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में First, क्या होता है जो अमोनिया है ना वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है किसकी हेल्प से किस बैक्टीरिया की हेल्प से तो आपको नाइट्राइट तो में कन्वर्ट हो जाती है, है. क्लियर उसके बाद क्या होता है अब नाइट्राइट यूज नहीं करते हैं प्लांट्स ठीक है तो हमें क्या करना होगा ये नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होगा नाइट्राइट के अंदर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों ऑक्सीजन जुड़ेगा और क्या बना देगा आपको नाइट्रेट बना देगा एनओ थ्री नेगेटिव क्या है बच्चों ये है नाइट्रेट क्या है ये? नाइट्रेट है ये। ठीक है आपको ध्यान रखना है नाइट्राइट और नाइट्रेट में फर्क है नाइट्राइट होता है एन टू नेगेटिव नाइट्रेट होता है एन थ्री नेगेटिव तो दोबारा से सुनिए क्या हुआ नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जो अमोनिया था वो किस में कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में किस बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया की हेल्प से और फिर जो आपका नाइट्राइट है वो ऑक्सीडाइज होकर के किस में चला जाएगा नाइट्रेट में चला जाएगा किस बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रो बैक्टीरिया की हेल्प से तो आपको ध्यान रखना है नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में टू बैक्टीरियाज होते हैं अमोनिया से नाइट्राइट बनाता है नाइट्रोसोमोनास और जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाता है नाइट्रोबैक्टीरिया क्लियर उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या था हमारा थर्ड स्टेप था नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या था नाइट्रोजन एसिमिलेशन तो देखिए ध्यान से नाइट्रोजन एसिमिलेशन में क्या होता है ठीक है नाइट्रोजन एसिमिलेशन में क्या होता है देखिए जो नाइट्रेट आपके पास बना ये क्या होगा ये सोइल में आ जाएगा किसके थ्रू हो सकता है रेन के थ्रू ठीक है या आपके पास जिसमें भी कन्वर्ट हुआ ठीक है तो ये लिंगोमिन प्लांट में था ठीक है वहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया ने भी बनाया था ये ठीक है तो ये क्या होगा सॉयल में आएगा और सॉयल में हम क्या उगाते हैं प्लांट तो ये प्लांट में आ जाएगा वहाँ से प्लांट से किसके पास पहुँच जाएगा ह्यूमन बींग के पास पहुँच जाएगा ठीक है ह्यूमन बींग के पास पहुँच जाएगा फिर ह्यूमन बींग की क्या होगी डेथ होगी और जो डेड एनिमल और प्लांट है उनकी भी क्या होगी डेथ होगी तो वहाँ से फिर से वापस किस में चला जाएगा सॉयल में चला जाएगा और ये इसी प्रोसेस इसी तरह से क्या होती रहेगी कंटिन्यू होती रहेगी से प्लांट में प्लांट से ह्यूमन बींग्स से में ह्यूमन बिंग्स फिर डेड एंड डिकिंग मैटर में फिर वापस ऑयल में फिर वापस प्लांट में और ये चलता रहता है और इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड किस में बदल जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल जाता है किस के इसमें डीकम्पोजिशन प्रोसेस में उसके बाद देखिए आपके पास फोर्थ प्रोसेस है दैट इज द अमोनिफिकेशन क्या है बच्चों अमोनिफिकेशन ठीक है अमोनिफिकेशन क्या होता है इसमें क्या होगा जो हमारी बॉडी के अंदर ठीक है अमीनो एसिड होते हैं न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये सब जब हमारे डिके होती है ना हमारी बॉडी का क्या कहा मैंने जब हमारी बॉडी का डिके होता है डेड हो जब डेथ हो जाती है उसके बाद ये डिके होता है डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का तो ये जो अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं इसीलिए इसको बोलते हैं अमीनो एसिड ठीक है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इससे क्या है कन्वर्ट हो जाते हैं किसम नाइट्रेट में और अमोनिया में और फिर ये नाइट्रेट और अमोनिया क्योंकि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म हम कहाँ जाएंगे सॉयल पर ये सॉयल में चले जाएंगे सॉयल से फिर प्लांट में प्लांट से फिर ह्यूमन बीइंग में तो ये होता है अमोनिफिकेशन प्रोसेस में ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हमारा पार्ट ठीक है तो नेक्स्ट आपके पास प्रोसेस क्या थी लास्ट प्रोसेस दैट इज द डीनाइट्रीफिकेशन क्या थी डीनाइट्रीफिकेशन तो देखिए डीनाइट्रीफिकेशन में क्या था जो नाइट्रेट हमारा बना है डीनाइट्रीफिकेशन का नाम ही पता चल रहा है हमें अब उल्टा नाइट्रिफिकेशन का उल्टा हो जाएगा जो नाइट्रेट्स हमारे पास बना था कौन NO3 नेगेटिव जिसको प्लांट यूज कर रहा था इसका एन एरोबिक प्रोसेस होगा एन एरोबिक मतलब क्या है ऑक्सीजन की अबसेंस में ये रिएक्ट करेगा और वापस से क्या बना लेगा ये मोलिकुलर नाइट्रोजन क्या बना लेगा मोलिकुलर नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन वापस किस में चला जाएगा अटमोसफियर में चला जाएगा किस में चला जाएगा अटमॉसफियर में चला जाएगा तो इसीलिए ये प्रोसेस करता कौन है नाइट्रेट से नाइट्रोजन बनाने की ये डी बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं सूडोमोनस बैक्टीरिया कहते हैं क्या कहते हैं सूडोमोनस बैक्टीरिया कहते हैं तो आपको याद रखना है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा था ठीक है और डीनाइट्रिफिंग बैक्टीरिया कौन सा है तो डीनाइट्रिफिंग बैक्टीरिया कौन सा है सूडोमोनस क्लियर तो ये आपके पास इसकी नाइट्रोजन साइकिल में फाइव प्रोसेस थी जल्दी जल्दी बोलिए आपके पास फर्स्ट प्रोसेस कौन सी थी नाइट्रोजन फिक्सेशन सेकंड कौन सी थी नाइट्रीफिकेशन ठीक है और थर्ड कौन सी थी एसिमुलेशन फोर्थ कौन सी थी अमोनिफिकेशन एंड फिफ्थ कौन सी थी डी नाइट्रीफिकेशन और इन सब में आपको इनके बैक्टीरियाज के नाम भी याद रखने हैं चलो देखिए इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसके अंदर क्या है आइए देखो ये था अगर हम डिफरेंस करते हैं पहले नाइट्रिफिकेशन और डी में क्या डिफरेंस है ध्यान से देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी होती है नाइट्रिफिकेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस डी में ऑक्सीजन हटता है जब ऑक्सीजन के रिमूव होने की प्रोसेस है उसे कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस देखिए तो नाइट्रिफिकेशन कैसी प्रोसेस हुई ऑक्सीडेशन और डी कैसी प्रोसेस हुई रिडक्शन उसके बाद आता है कन्वर्जन नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है अमोनिया इज कन्वर्टेड इंटू नाइट्रेट अमोनिया किस में कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है बट डी में उल्टा हो रहा है नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है उसके बाद हमने क्या कहा आप ये थर्ड क्या कंडीशन क्या इसमें होती है और इसमें एन एरोबिक कंडीशन होती है आप कह सकते हो कौन सी कंडीशन एन एरोबिक कंडीशन होती है वाटर लोस्ड कंडीशन होती है क्लियर उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट हम थोड़ा सा नाइट्रोजन साइकिल को रिवाइज कर लेते हैं कि जो नाइट्रोजन साइकिल में आपने प्रोसेस पड़ी है उनमें कौन कौन से बैक्टीरियाज हेल्पफुल होते हैं तो देखिए हमारी नेक्स्ट पार्ट आइए यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल और यहाँ पर हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं तो देखिए ध्यान से हमने बोला नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो एटमोसफेरिक नाइट्रोजन थी वो किस में कन्वर्ट हो रही थी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कौन सा बैक्टीरिया यूज़ हो रहा था राइजोबियम कहाँ पाया जाता था लेंगोमिनियस प्लांट्स के जड़ों के अंदर और क्या यूज़ होता है एजो भी यूज़ होता है ये सॉयल के अंदर पाया जाता है बैक्टीरिया ध्यान रखना एजो बैक्टर किस में पाया जाता है ये बैक्टीरिया सॉयल में पाया जाता है या फिर आप कह सकते हो ब्लू ग्रीन अलगी और साइना बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया भी ये प्रोसेस कर देते हैं

जब नाइट्रेट में नाइट्राइट में जा रहा था तो कौन सा बैक्टीरिया था नाइट्रोसोमोनस और जब नाइट्राइट में जा रहा था तो कौन सा बैक्टीरिया था नाइट्रोबैक्टर क्लियर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या थी एस इम्यूलेशन में सिंपल प्रोसेस थी फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या था अमोनिफिकेशन तो अमोनिफिकेशन में क्या होता है हमने बोला जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है जब डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जैसे मैंने आपको कहा था कि जब हमारी डेथ हो जाएगी डे, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं तो क्या होगा उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ये अमीनो एसिड और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों अमोनिफिकेशन बोलते हैं और ये किस हेल्प से होते हैं ये बैक्टीरिया एंड फंजाई की हेल्प से होते हैं ये प्रोसेस ठीक है उसके बाद देखिए लास्ट प्रोसेस हमारी लास्ट एंड फाइनल कौन सी प्रोसेस थी हमारे पास डीनाइट्रीफिकेशन तो देखिए डीनाइट्रीफिकेशन में क्या हो रहा था नाइट्रेट और जो अमोनिया थे वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे फ्री नाइट्रोजन में किस बैक्टीरिया की हेल्प से सूडोमोनस बैक्टीरिया की हेल्प से इसीलिए हम इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं क्या कहते हैं डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं तो ये था जी हमारा नाइट्रोजन साइकिल मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और ये बैक्टीरियाज भी बहुत बार पूछे जाते हैं और आई होप सो यू इन्जॉय द लेक्चर कलियर आई होप सो यू इंजॉय द लेक्चर क्लियर अब हम बात करते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए सपोर्ट कीजिए थैंक यू